मुंबई सेंट्रल रेलवे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला के निर्देश एवं आरपीएफ सहायक सुरक्षा आयुक्त रंजीत कुमार के मार्गदर्शन में लोकमान्य तिलक टर्मिनस इंस्पेक्टर केशव राणा द्वारा 27 जुलाई को महिला यात्रियों की यात्रा के दौरान आत्मरक्षा हेतु जागरूक अभियान के तहत कराटे सिखाने का नियोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां महिला यात्रियों ने खुद अभियान को सराहा तो वहीं दूसरी तरफ पुरुष यात्रियों ने रेलवे आरपीएफ की एक अच्छी पहल बताई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है, जिससे कि महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और उन्हें ये भी बताया गया है कि अगर रेलवे में वो सफर करती हैं और उस समय उन्हें कोई सुरक्षा संबंधी कोई भी समस्या आती है तो 139 पर इमीडिएट कॉल करके सुरक्षा ले सकती हैं या फिर 1512 पर भी कॉल करके जीआरपी सहायता ले सकती हैं। एक नुक्कड़ नाटक और जूडो कराटे के थ्रू इनको अवेयर किया गया है। इसमें जूडो कराटे से सभी महिलाओं को ये बताया गया है कि जो खुद में कॉन्फिडेंस इतना रखना चाहिए कि यदि आपको कोई छेड़ता है, कोई परेशान करता है तो उसका जवाब आसानी से दे सकें। महिलाओं के लिए सबसे मेन ये आता है कि रेलवे में अगर वो सफर कर रही हैं तो 139 पर वो कॉल करके इमीडिएट सहायता ले सकती हैं। उनको नेक्स्ट स्टेशन पर या ट्रेन में स्टाफ आरपीएफ स्टाफ है तो वो तुरंत उन्हें अटेंड कर सकता है और उनको जो भी समस्या है उसे दूर किया जा सकता है। खासकर महिलाओं के लिए खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, जिससे कि यदि कोई उनके लिए परेशान कर रहा है या कोई भी किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। नमस्कार, माझं नाव महेश नावले, मी निर्भया स्क्वॉड मुंबई पोलीस यांच्या थ्रू सगळ्या महिलांना मोफत प्रशिक्षण देत असतो सेल्फ डिफेन्सचं। आज आम्हाला रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स यांनी इथे आमंत्रित केलेलं आहे की जेवढ्या महिला इथून प्रवास करतात किंवा जेवढ्या इथून प्रवासी आहेत त्यांना हे प्रशिक्षण तुम्ही दाखवा आणि हे अवेअरनेस करा। याच्यामध्ये फायदा हे आहे की आता तुम्ही पाहिलं असेल खूप महिलांनी स्वतःहून येऊन तिथे करून पण दाखवलं आणि करून पाहिलं पण, याच्यामध्ये 100% त्यांच्या माइंडमध्ये असं होणार की आम्हाला पण हे शिकणं जरुरी आहे। आज तुम्ही पाहता की जागोजागी काही घटना घडत आहेत, चुकीच्या घटना घडत आहेत, त्या टायमिंगला हे सडनली अटॅक जे होतात त्या सडनली अटॅकवर ह्या प्रमाणाच्या ज्या प्रॅक्टिस केल्या जातात, या पद्धतीच्या ज्या प्रॅक्टिस केल्या जातात सेल्फ डिफेन्सच्या, याच्यामुळे तुम्ही त्या महिला इझिली टॅकल करू शकतात, ॲटलिस्ट त्यांच्या हातातून सुटून ते कोणाला तरी मदतीसाठी बोलवू शकतात।